हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पिरेंट्स में। एंड अभी हम यूपीएससी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने वाले हैं, IIT त्रिलाट के बारे में। ठीक है, तो आप इसको हिंदी में त्रिलाट भी कह सकते हैं, त्रिलात भी कह सकते हैं इस तरह से। अब ये 3 देशों के बीच हो रहा है, इसमें शामिल है भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये उसको पहली बार आयोजित किया जा रहा है, पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास है इन 3 देशों के बीच। तो ध्यान रखना है आपको कि ये देश कौन से हैं जो IIT त्रिलात में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो आगे इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और देखेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि ये बाकी जो 2 देश हैं भारत को छोड़कर, वो दोनों ही देश अफ्रीकन देश हैं, और दोनों ही देश अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पे संबंधित हैं, जिनका नाम है मोजाम्बिक और तंजानिया। तो मोजाम्बिक तंजानिया है कहाँ पे, ये आपको देखना है। ओके, मैप में यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे तंजानिया है और मोजाम्बिक भी है। और इसके अलावा यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, इंडियन ओशन से लगे हुए देश हैं, तो आपको ध्यान रखना है। मैपिंग में आप जब पढ़ते हैं तो आपको अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा देश हिंद महासागर से अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ आपको ऊपर से ही देख लेना है कि सोमालिया है, केन्या है, तंजानिया है, मालावी है, इसके अलावा ये जो अफ्रीकन कंट्री हैं, और इसके अलावा मेडागास्कर इधर है। अब यहाँ पे इस साइड में अगर पश्चिमी तट पे हम देखें तो अटलांटिक महासागर है, और यहाँ पे ये जो देश हैं इनको आपको याद रखना है। खासकर देखिए, नामीबिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है अफ्रीका चाइना ने, इसके अलावा केन्या में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो इन सब देशों चाइना को इनकाउंटर करना भी भारत का बहुत बड़ा उद्देश्य है अफ्रीका में। अब इंडिया क्या रहा है कि भारत अलग अलग देशों के साथ मिलके अफ्रीकन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिससे वहाँ पे लोग जो हैं चाइना के फेवर में बहुत ज़्यादा ना आ पाए। सो इसके अलावा और एक कुछ और चीज़ें हैं जो अफ्रीका से रिलेटेड हैं। यहाँ पे अफ्रीकन लेक्स के बारे में भी है कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, जो अफ्रीकन लेक्स के बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर उनको अरेंज करने का। ओके, सो यहाँ पे लेक मालावी से अक्सर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेक मालावी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लेक तरकाना यहाँ पे है, और विक्टोरिया के ध्यान रखिएगा, यहाँ से नदियाँ जो निकलती हैं बहुत सी छोटी छोटी। और इसके अलावा एक मेन रिवर जो है वो है नाइल रिवर, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अब यहाँ पे लेक, ये 2 लेक हैं, यहाँ से नील नदी जो है वो निकलती है। तो विक्टोरिया से निकलता है एक, और एक निकलता है आपका यहाँ पे लेक टाना से, जो कि इथोपिया में स्थित है। ठीक है, तो ब्लू नाइल यहाँ से निकलती है, जबकि वाइट नाइल यहाँ से निकलती है। बाद में दोनों खार्तून में आके मिलते हैं, जब ये उस मिलने के बाद नाइल रिवर बन जाते हैं। अब इस IIT त्रिलाट के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये पहला अभ्यास है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। यहाँ है तंजानिया, आप देख लीजिए, और यहाँ पे है मोजाम्बिक, दोनों ही लगते हैं यहाँ पे हिंद महासागर से। ओके, और ये अभ्यास हो कहाँ पे रहा है, डार एस सलाम में हो रहा है। डार एस सलाम कहाँ पे है आपका, तंजानिया में। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक बंदरगाह है जहाँ से तंजानिया एक अपना व्यापारिक गतिविधियाँ करता रहता है। ओके, आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की भागीदारी क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, भारत में देखिए बहुत सारे जो कह सकते हैं कि नेवी के पास जो भारतीय नौसेना है, उसके बाद बहुत सारे हथियार हैं जो कि हमारे जो अफ्रीकन देश हैं, खासकर जो मित्र अफ्रीकन देश हैं, उनके साथ मिलकर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ ही ध्यान रखिएगा, भारत जो चाहता है कि हम एक्सपोर्टर बने हथियारों का, तो हम अपने आने वाले समय में हथियार जो है वो विकासशील देशों को ही ज़्यादातर बेचेंगे, जैसे कि हम साउथ एशिया के जो देश हैं वहाँ पर बेच रहे हैं। आने वाले समय में हम अफ्रीका को भी अपने हथियार बेचेंगे, तो उनके साथ पहले हम जब मित्रवत स्थिति में रहेंगे तभी वो बेच सकते हैं, और जब हम उनको साथ में लेकर एक प्रकार के एक्सरसाइज करेंगे तो वो भी देखेंगे कि हाँ, इन भारत के पास कौन कौन से हथियार हैं, कितने कारगर हैं वो हथियार, तो वो भारत के हथियार लेने के लिए भी ज़रूर उत्सुक होंगे। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक कार्रवाई, एक पहल कहा जा सकता है। भारत फिलहाल इसमें देखिए मिसाइल फ्रिगेट यूज कर रहा है, INS तरकस को भेजा है, चेतक हेलीकॉप्टर यूज किए जा रहे हैं, अमारकोस जो विशेष बल है उसको भी यहाँ पे भेजा गया है। इसके अलावा इसके उद्देश्य अगर हम देखें तो प्रशिक्षण और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, यानी कि अफ्रीकन देश जो हैं उनकी जो नौसेना है उसको विकसित करना भी
भारत का लक्ष्य है, क्योंकि देखिए जो भारत ट्रेड करता है खासकर सोमालिया के साथ, जो सोमालिया के जो वहाँ पे लुटेरे होते हैं उनसे काफ़ी समस्या होती है, तो भारत क्या करेगा, ट्रेन करेगा उनको अफ्रीकन देश के जो नौसेना है, और वो भी लोग क्या करेंगे, हिंद महासागर में सुरक्षा प्रदान करेंगे। अब देखिए इस नौसेना अभ्यास के बहुत सारे महत्व भी हैं, जैसे कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा प्रदान कर, समुद्री जो पड़ोसी हैं उनके साथ सहयोग बढ़ाना, इसके अलावा सागर सुरक्षा को विकास और बढ़ावा देना, और भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाना कि भारतीय सेना जो है वो सभी देशों के साथ मिलकर काम करती है। भारतीय सेना के पास देखिए अब बहुत सारे नेवी के जो जहाज़ हो गए हैं, इसके अलावा उन्होंने प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बहुत सारे जो पनडुब्बियाँ हैं वो बनाई हैं, बहुत सा उस जो पनडुब्बियाँ हैं या फिर नौसेना के जो जहाज़ हैं उनको विकसित किया गया है, अच्छे अच्छे हथियार लगाए गए हैं, बहुत सारे हेलीकॉप्टर उस पर उपकरण लगाए गए हैं, इन सब चीज़ों के साथ उनको विकसित भी किया गया, तो ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है।